क्या है दिल्ली की शिक्षा क्रांति की सच्चाई? क्या सच में दिल्ली के स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? हकीकत क्या है? एक रिपोर्ट में अभिषेक रंजन, जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके मुताबिक सबसे पहला दावा है कि सरकारी स्कूलों को छोड़ प्राइवेट में जा रहे हैं बच्चे। दिल्ली के बारे में ये कहा जा रहा है कि सरकारी शिक्षा इतनी बेहतर हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। एक खबर भी दिखाई जाती है कि प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर 900 बच्चे सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री सिसोदिया के किए दावे की माने तो अब तो सरकारी में एडमिशन लेने के लिए लोग रिश्वत देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि बीते 4 वर्षों में ही जहां प्राइवेट में 2.5 लाख बच्चे बढ़े, वहीं सरकारी में 1.5 लाख बच्चे घट गए। 2019 में आई दिल्ली की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 2013-14 में 992 सरकारी स्कूल थे, जहां 16 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते थे। 2017-18 तक पिछली सरकारों द्वारा स्वीकृत कुछ नए सरकारी स्कूल बने और स्कूलों की संख्या में 27 का इजाफा हुआ, लेकिन बच्चे घटकर 14 लाख पर आ गए। इसी दौरान 558 प्राइवेट स्कूल बंद हुए। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 2013-14 के मुकाबले 2017-18 तक आते आते 2,64,000 बढ़ गए। अभी हाल ही में आई शिक्षा के क्षेत्र में मशहूर सर्वे असर की रिपोर्ट की माने तो बच्चियों को सरकारी स्कूल में, वहीं लड़कों को प्राइवेट स्कूल में भेजने का चलन बढ़ा है। लेकिन जब दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखते हैं तो यहाँ मामला उल्टा है। दिल्ली के गरीब माँ बाप अब अपनी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट में भेजना पसंद कर रहे हैं। 2019 में आई दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे की ही रिपोर्ट देखें तो बीते 4 वर्षों में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ने के बावजूद बच्चियों के नामांकन में जहां 33,000 की कमी आई, वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या 1/4 घटने के बावजूद नामांकित बच्चियों की संख्या में लगभग 1.25 लाख का इजाफा हुआ। इकोनॉमिक सर्वे की ही रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी, उस रफ्तार से स्कूलों में जाने वाले बच्चे बढ़े तो नहीं, उल्टे घट गए। 2014-15 में दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 44.10 लाख बच्चे थे। 2018 आते आते ये घटकर 43 लाख पर आ गए। यानी दिल्ली में आज भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं या फिर ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सवाल उठता है कि जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सरकार ने बेहतर बना दिया है तो बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? दूसरा पहलू है केवल मीडिया में सुर्खियां बना बजट, पैसे किए आधे खर्च। दिल्ली के बजट की खूब चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी की माने तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी भी राज्य के 1/4 बजट शिक्षा के लिए आवंटित किए। कई बार वे इसकी तुलना एशिया यूरोप के देशों से करते नजर आते हैं। ये अच्छी बात है कि शिक्षा पर दिल्ली में पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन तथ्यों की गलत तरीके से प्रस्तुति और इसकी तुलना देश दुनिया से करना अतिरेक है। बात केवल देश की ही करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास करने को बेहद काम है, लेकिन राजस्व के साधन अधिक हैं। पैसे के मामले में दिल्ली देश का सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में हमेशा टॉप 10 से 12 के बीच रहा है। अब आपको केवल 1,000 स्कूल चलाने हो और बजट करोड़ों में हो तो स्वाभाविक है उसका असर स्कूल की बिल्डिंग पर तो दिखेगा। अगर 1/4 बजट की बात करें तो दिल्ली के अलावा कई छोटे बड़े राज्य हैं जिन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से 20-30% तक का हिस्सा शिक्षा के लिए बजट में रखा। बिहार, असम, मेघालय इसमें शामिल हैं। बजट भले ही देखने में 3 गुना लगता हो, दिल्ली आज भी अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2% से कम पैसा खर्च करता है। यानी आर्थिक क्षमता भले ही बढ़ गई हो, दिल्ली के पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से खर्च नहीं हो रहा है शिक्षा पर। तीसरा आंकड़ा है फेल बच्चों को दोबारा नहीं मिल रहा नामांकन। 9वीं-11वीं में बड़ी संख्या में फेल करने के बाद बच्चों को दोबारा स्कूल में ना आने देने की नीति भी दिल्ली में स्कूली शिक्षा से बच्चों को वंचित कर रही है। वर्ष 2015-16 की परीक्षा में 9वीं में 1,32,000 बच्चों को फेल किया गया। 2016-17 में 1,16,000 से अधिक बच्चे फेल हुए। उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। बात केवल 2017-18 की ही करें तो क्लास 9वीं से 12वीं तक के 2/3 बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया। सबसे दुखद था कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड में फेल हुए 91% बच्चों को दोबारा एडमिशन नहीं देना।
15,05,436 बच्चों में से 10,02,854 बच्चे को एडमिशन ना देकर स्कूलों से बाहर निकाल दिया। हालात ये हैं कि फेल हुए बच्चों को दोबारा एडमिशन नहीं देने पर बच्चे बार बार कोर्ट जा रहे हैं, फिर भी ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। चौथा फैक्ट है 12वीं की परीक्षा में घटे बच्चे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का जवाब देने के लिए 26 जनवरी को एक वीडियो बनाया और कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 96% है। 96% रिजल्ट केवल 12वीं की परीक्षा की थी, जिसमें लगभग 1,25,000 बच्चे ही बैठे थे, लेकिन केजरीवाल जी ने इसे जबरदस्ती 16,00,000 बच्चों की मेहनत का नतीजा बताया। 12वीं के परिणाम में दिल्ली पहले ही बेहतर करता था। 2007-08 से लेकर 14 तक लगातार 85% से अधिक रिजल्ट आया, लेकिन आज जब रिजल्ट की बात होती है तो ये बताया जाता है कि पहली बार सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट को पछाड़ा है। ये पूरी तरह गलत है। 2009 और 2010 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट को पछाड़ा था। 2005 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे 12वीं में 13 अंक से पीछे चल रहे थे, 2009 में पछाड़ा और अब आगे चल रहे हैं। लेकिन 12वीं के रिजल्ट को बच्चों और शिक्षकों की मेहनत की बजाय अपनी सरकार की उपलब्धि केजरीवाल जी बताते हैं। वे ये बात क्यों नहीं बताते कि 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हर साल घट रहे हैं। 2005 से लेकर 14 तक दिल्ली में 12वीं में बैठने वाले बच्चे बढ़कर 60,570 से 16,06,257 हो गए। केजरीवाल सरकार आने के बाद लगातार घटते घटते ये 11,02,826 पर आ गया। 4 साल में ही 54,000 बच्चे कम हो गए। दिल्ली की आबादी तो घटी नहीं, फिर बच्चे कम क्यों हुए? क्या इसलिए कि बड़ी संख्या में बच्चे 9वीं में फेल करके बाहर निकाले जा रहे हैं? पांचवा आंकड़ा है 10वीं का रिजल्ट सबसे खराब। 12वीं के रिजल्ट पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता खूब अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन 10वीं के रिजल्ट पर कोई चर्चा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि 10वीं का रिजल्ट दिल्ली में केवल 71% है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं का रिजल्ट आज यूपी बिहार से भी कम है, जो किसी समय देश भर में सबसे अधिक हुआ करता था। छठा चौंकाने वाला तथ्य है कि लाखों बच्चे हुए 9वीं में फेल। दिल्ली में आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब यहाँ शिक्षा क्रांति हुई तो लगभग आधे बच्चे 9वीं में हर साल क्यों फेल हो रहे हैं। ये तो रोचक बात है कि सभी बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के दावे भी करें और भारी संख्या में बच्चों को फेल करके स्कूलों से भी बाहर निकाल दें। ऐसी हालत यूपी बिहार में भी नहीं है, जिसकी तुलना दिल्ली के नेता खूब करते हैं। रिजल्ट सुधारने के कवायद में बीते 2-3 दशकों में इतने बच्चे कहीं भी 9वीं में जानबूझकर फेल नहीं किए गए। किसी राज्य की छोड़िए, देश के किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी 9वीं में आधे बच्चे नहीं निकाले जाते। सूचना के अधिकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक तो बीते 5 सालों में 9वीं में पढ़ने वाले लगभग आधे यानी 4,00,000 से अधिक बच्चे फेल हुए। वहीं 11वीं में 1/3 यानी 1,00,000 से अधिक बच्चों को फेल किया गया। ये सब गरीब तबके के बच्चे थे। पास फेल अपनी जगह है, सबसे खतरनाक है 9वीं या 11वीं में फेल करने के बाद हर साल हजारों बच्चों का ड्रॉप आउट होना। पिछले 5 सालों में बड़ी संख्या में बच्चे 9वीं के बाद ड्रॉप आउट हुए। 2017 में 1,25,000 बच्चे 9वीं में फेल हुए, जहां 35,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। 68,000 गरीब बच्चों को स्कूलों से बाहर कर पत्राचार में भेज दिया, जहां ना तो नियमित पढ़ाई होती है ना ही कोई स्थायी शिक्षक है। प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट की माने तो बच्चों पर ध्यान नहीं देने से हालत ये रही, महज 2% बच्चे ही 10वीं की परीक्षा पास कर सके। आज ये बच्चे बाल श्रम में नहीं, पढ़ाई से दूर अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। बाल अपराध की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी का कनेक्शन स्कूलों से भारी संख्या में हो रहे ड्रॉपआउट से जोड़कर देखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने वादे किए थे 500 नए स्कूलों के, स्वीकृत किए गए केवल 1। दिल्ली के हर कोनों में स्कूल की जरूरत है। 2015 के चुनाव में पहले दिल्ली की जरूरत देखकर आपने 500 नए स्कूल खोलने के वादे किए थे। जनता ने भरोसा कर वोट भी दिया। उन्हें भरोसा था कि नए स्कूल खुलेंगे तो गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। जब सरकार बनी 68 विधायक बने, लेकिन 5 साल बीत गए, 500 तो दूर की बात रही, 68 स्कूल भी नहीं खुले। पुरानी सरकार ने जो नए स्कूल बनाने की पहल शुरू की थी उसे ही बड़ी मुश्किल से पूरा किया गया। RTI से मिली जानकारी बताती है कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक केजरीवाल सरकार ने केवल 1 स्कूल स्वीकृत किया। वादा 500 का, काम की पहल केवल 1 के लिए।
सरकार से जुड़े लोग अभी दावे कर रहे हैं कि 20,000 कमरे बनवा दिए हैं, जो कि 500 स्कूलों के बराबर हैं। इस दावे पर कौन भरोसा करेगा? दिल्ली की जनता पूछ रही है, अब नए शिक्षक बहाल ही नहीं किए गए तो नए कमरे में क्या भूत पढ़ाएंगे? अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? शिक्षकों की 1,000 पद खाली, स्कूल है नेतृत्वहीन। दिल्ली के 2/3 स्कूलों में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हैं। ये स्कूल वाइस प्रिंसिपल आधे अधूरे पावर के साथ चला रहे हैं। दिल्ली सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि 2019 तक शिक्षा विभाग में 45% पद खाली थे। तब तक 77,305 स्वीकृत पदों में 34,970 पद खाली थे। नई नियुक्ति कहाँ हुई? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में शिक्षकों के 66,128 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 29,430 पद खाली हैं। आज दिल्ली के स्कूलों में लगभग आधे शिक्षक यानी 34,211 रेगुलर टीचर पढ़ा रहे हैं, वहीं 20,129 गेस्ट टीचर हैं। साइंस, मैथ, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए भी पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। बिना शिक्षक प्रिंसिपल के कौन सा शिक्षा मॉडल बना है? यह आश्चर्य का विषय नहीं है। स्थायी शिक्षक की बात छोड़िए, खाली पड़े पदों पर गेस्ट टीचरों की बहाली नहीं हो सकी। जब बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली छोड़ दिए गए हों तो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा पहुंचाने की नीयत पर शक होना लाजमी है। दिल्ली की शिक्षा से जुड़े कई और मसले हैं जिन पर कहीं चर्चा नहीं होती। सारी बातों का लबोलुआब यही है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति में दिखावे अधिक हैं। असलियत में ना तो नामांकन बढ़े, ना रिजल्ट सुधरा, ना सीखने के स्तर में सुधार हुआ। आखिरी के 1.5 सालों में जो प्रयोग हुए वे महज खेल तमाशे और त्यागराज स्टेडियम में नियमित होने वाले जलसे में बनकर रह गए। वैसे समय में जब भारी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हों, स्कूली शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं, बच्चे और उनके परिजन भी सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा क्रांति के बावजूद उनके बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं हैं। अब ये सरकार सीखने सिखाने वाले लोगों पर ध्यान देगी, यही उम्मीद की जा सकती है। अन्य दिलचस्प खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारा भारत के साथ।